महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो धर्म तथा अधर्म के बीच में हुआ था, और इसी युद्ध में कई शूरवीरों को अपने प्राण भी त्यागने पड़ गए थे। उन्हीं में से एक कर्ण भी थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि कर्ण के जीवन में जन्म से लेकर मरण तक कितना संघर्ष था। अपने साथ हुए इन अन्यायों के कारण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर मरते समय कर्ण ने श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए थे, तो आइए जानते हैं उन सवालों के बारे में एक छोटे से इंट्रो के बाद। अर्जुन के हाथों कर्ण की जब मृत्यु निकट आ चुकी थी, उसी समय उन्होंने श्री कृष्ण को अपने समीप बुलाया और बोले, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका मैं अपनी मृत्यु से पहले उत्तर पाना चाहता हूँ, और इनके उत्तर सिर्फ आप ही मुझे दे सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है उनके बारे में पूछ लो। तब कर्ण बोले, जन्म लेते ही मुझे मेरी माता ने त्याग दिया, तो उसमें मेरा क्या कसूर था, और उसके बाद मुझे गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होने पर भी मैं क्षत्रिय ना था। भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा दी लेकिन श्राप दे दिया कि जरूरत पड़ने पर मैं इस शिक्षा को भूल जाऊंगा। एक बार गलती से मेरे द्वारा एक गाय को बाण लग गया जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे ही श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे मेरे जन्म के बारे में तो बताया, पर अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे मिला दुर्योधन से ही मिला, तो अगर मैं उसकी तरफ से युद्ध करता हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष। कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। तुम्हारा जीवन रथ, घोड़े, हाथी और राजमहलों के साथ बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली और मेरा जीवन गायों के बीच में बीता। जन्म के बाद चलने ही लगा था कि प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई राजमहल नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों ने हमेशा मुझे ताने ही दी कि उनकी समस्या का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे तब मुझे तो कोई शिक्षा भी नहीं मिली। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें ही इसका श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे सिर्फ युद्ध और युद्ध में हुई मृत्युओं का दोष दिया जाएगा। श्री कृष्ण आगे बोले, कर्ण, हर किसी को जीवन में चुनौतियां मिलती हैं। जिंदगी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का साथ दिया है तो युधिष्ठिर ने अन्याय को भुगता है, पर सत्य क्या है ये तुम भलीभांति जानते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कितना ही अन्याय क्यों ना हुआ हो, भले ही तुम्हारा कितना ही अपमान क्यों ना हुआ हो, फर्क तो इससे पड़ता है कि हम उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जीवन में भले ही तुम्हारे साथ कितना ही अन्याय क्यों ना किया हो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अधर्म का साथ दो। श्री कृष्ण ने इसके द्वारा कर्ण को यह बताने की कोशिश की कि जीवन में चुनौतियाँ सबके आती हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप बुरे कर्म करने लग जाएं, बल्कि आपको इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। इस कथा के द्वारा आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि भले ही हमें जीवन में कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हमें तब भी धर्म का ही साथ देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इसी के साथ मैं कृष्ण भक्त लेता हूँ आपसे इजाजत। मिलेंगे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।